पेड़ा बनाने के लिए मैंने ये 2 लीटर दूध रखा है, ये पैकेट वाला दूध है, और एक बाल चीनी। एक मोटे तले का कढ़ाई हम ले लिए हैं ऐसा, और गैस पे रख के गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे दूध तले में नहीं चिपकेगा, और इसमें हम दूध डाल देते हैं। दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और एक करछी को हम नीचे कढ़ाई के नीचे तले तक बैठा के चलाएंगे ताकि ये कढ़ाई में नीचे से जले ना। और इसको चलाते हुए अभी हमें दूध को उबालना है, जब तक कि ये दूध गाढ़ा नहीं हो जाता रबड़ी जैसा, तब तक हम इसे ऐसे ही चलाते हुए उबालते हैं। दूध गाढ़ा हो गया है फ्रेंड्स, मैंने 2 लीटर दूध लिया था, 1 लीटर के करीब बच गया है गाढ़ा होते होते। अभी और इसको हमें गाढ़ा करना है चलाते हुए। ये रबड़ी जैसा हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा हो गया है दूध। अब हम इस स्टेज पे इसमें चीनी डाल देते हैं। अभी इसको हमें और गाढ़ा करना पड़ेगा, सो अभी और इसमें टाइम लगेगा। बहुत गाढ़ा हो गया है, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर दिए हैं क्योंकि अभी जल सकता है, इसको हमें लगातार चलाना है। फ्रेंड्स इसमें टाइम बहुत लगता है, पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है, पर ये जब बन के आएगा तो एक नंबर, जैसे हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं वैसा बनता है। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। गैस का फ्लेम एकदम लो करके मैं रखी हूँ क्योंकि ये जल सकता है, सो इसमें भी थोड़ा और टाइम लगेगा। चला रहे हैं लगातार, आप चाहे तो इस स्टेज पे आप इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची को कूट के, इलायची पाउडर। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिंपल बना रही हूँ बस दूध और चीनी से। पेड़ा का मिश्रण तैयार हो गया है फ्रेंड्स, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसका पेड़ा बनाएंगे। अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं। ऐसे ही हम सारे पेड़े बना लेंगे।
मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेड़ा बना है। तो इसको किचन में ऐसे ही खुले में 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा खुश्क हो जाए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।